शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मणिपुर में हो रही हिंसा पर बीजेपी को घेरा। राउत ने कहा, मणिपुर में जो हो रहा है उसे पूरा विश्व देख रहा है। मणिपुर की हालत कश्मीर से भी ज्यादा खराब है। शिवसेना नेता ने कहा, ममता दीदी ने कहा है कि देश की राजनीति को महिलाएं बदल देंगी। मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा। मणिपुर और देश की महिलाओं ने निर्णय लिया है कि ये सरकार बदलनी चाहिए। बीजेपी पर हमला बोलते हुए राउत ने कहा, मणिपुर की घटना से कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला, इसलिए बीजेपी चुप है। उन्होंने राष्ट्रपति की ओर से बयान न आने पर भी सवाल उठाया और कहा, महिला राष्ट्रपति होने के बावजूद मणिपुर में महिलाओं की नग्न परेड हो जाती है, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही कोई बयान आया। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मणिपुर में हो रही हिंसा पर बीजेपी को घेरा। राउत ने कहा, मणिपुर में जो हो रहा है उसे पूरा विश्व देख रहा है। मणिपुर की हालत कश्मीर से भी ज्यादा खराब है। शिवसेना नेता ने कहा, ममता दीदी ने कहा है कि देश की राजनीति को महिलाएं बदल देंगी। मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा। मणिपुर और देश की महिलाओं ने निर्णय लिया है कि ये सरकार बदलनी चाहिए। बीजेपी पर हमला बोलते हुए राउत ने कहा, मणिपुर की घटना से कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला, इसलिए बीजेपी चुप है। उन्होंने राष्ट्रपति की ओर से बयान न आने पर भी सवाल उठाया और कहा, महिला राष्ट्रपति होने के बावजूद मणिपुर में महिलाओं की नग्न परेड हो जाती है, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही कोई बयान आया।